नाजरीन बड़गांव में हम मौजूद है। जिस तरह से आपको पता है हिजबुल्ला के लीडर सईद हसन नसरुल्ला के मौत के बाद अब बड़गांव में एहतजाज हो रहा है। अब देखिए भारी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए अब भारी तादाद में जो पुराना बस यार्ड बड़गांव है वहां से एहतजाज शुरू हुआ, नए बस यार्ड की तैयारी भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए इस जो जुलूस में है, इस एहतजाजी जुलूस में बच्चे भी मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है, जवान मौजूद है और हर कोई क्योंकि ये मातम मना रहे हैं। सईद हसन नसरुल्ला की जो मौत हुई है उस पर ये मातम मना रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ एहतजाजियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप अपना नाम बताइए। अनवीर अहमद राव। मुझे बताइए एहतजाज कर रहे हैं, मकसद क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं अभी जो कल अटैक हुआ था थ्रू इसराइल लेबनान पे बेरूत पे, तो आपका पता है वहाँ हिजबुल्लाह के लीडर हमारे प्यारे लीडर जनाब आगा सईद हसन नसरुल्ला साहब जो बेरहमी और मतलब दर्दी से उनको कत्ल किया गया, तो उसके सिलसिले में हम निकले और एहतजाज कर रहे हैं। तो नाजरीन ये देखिए आप थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे साथी से आपको ये व्यू दे रहा है क्योंकि भारी तादाद में इस एहतजाज में जो लोग हैं वो इसमें एहतजाज कर रहे हैं। मुझे आप अपना नाम बताइए। इकत सईद इम्तियाज हुसैन। इम्तियाज साहब मुझे बताइए सईद हसन नसरुल्ला के बारे में क्या कहेंगे आप? सईद हसन नसरुल्ला निकला था इंसानियत के लिए, उसको आज शहीद किया है यजीद ने, जो करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया यजीद ने। आज यजीद वही शक्ल में है इसराइल लेकर अमरीका लेकर, हसन नसरुल्ला को शहीद नहीं किया, उसे पूरे इंसानियत को शहीद किया। हम साथ हैं, हिजबुल्लाह के साथ है, लिबनान के साथ है। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहे, अमन अमान होना चाहे, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह के बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूज है फलस्तीन, फलस्तीनियों से फलस्तीनियों के हिमायत में गासिब सही होने से आजाद होना चाहे। जब तक वो सहयोनी के कस्बियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे